देशवासीको नुवा स्वप्न देखिबार सुजोग दैछि मोदी सरकारको 2024-25 अन्तरिन बजेट। भित्तिभूमि विकास ठार आरंभ करी निजुक्ति, महिलांको स्वावलम्बन, सामरिक शक्ति वृद्धि भळि अनेक गुरुत्वपूर्ण दिग उपरे ध्यान दैछन्ति केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। अंतरिम बजेट 2024-25 को लोकाभिमुखी एवं अभिवृद्धि प्रोत्साहनकारी विकसित भारत बजेट भाव उपस्थापन करिथिबारु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद जणाइछन्ति केंद्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। से कहिछन्ति जे एही बजेट महिला आधारित विकास को गति देव, समस्त आकांक्षा पूरण कर, लोकंक जीवन जापन को सहज कर, सबुज अभिवृद्धि सह रोजगार सृष्टि को त्वरान्वित कर। बजेट्रे विभिन्न क्षेत्र में सर्वांगीन विकास पर गुरुत्व दि जाएगी। विकसित भारत बजेट्रे युवशक्ति और प्रजुक्ति विद्यार शक्ति को एकाठी कर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजेट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी, सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1,00,000 करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी की नई दुनिया आ रही है, उसको भारत की नौजवानों में पूरी ताकत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन हो गया है, इनोवेशन एक जन आंदोलन के रूप ले रहा है और ये 1,00,000 करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है। आने वाले दिनों में भारत एक जिम्मेवार देश के नाते विश्व समस्या की साथ साथ भारत की रोजगार सृजन, भारत की ईज ऑफ लिविंग, भारत में एक चरम सुखद स्थिति तक ले आने के लिए काम। एही बजेट भारतर प्रतिभा संपन्न युवशक्ति नेतृत्व में गवेषणा, उद्भावन एवं उद्यमितार एक सुवर्ण युग पर पथ प्रशस्त कर। बजेट विकसित भारत अभिमुखे आमर यात्रा को अधिक शक्ति प्रदान कर एवं प्रजुक्ति विद्या एवं स्थायी भविष्य पर भारत को पर्याप्त सहयोग करिवो बोली से कहिछन्ति। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास रे मोदी सरकार कार्य करुछन्ति। आमे जेतेबेले विकसित भारत लक्ष्य रे अग्रसर हेउछे, सही समय रे आजर बजेट से दिगरे अन्यतम पदक्षेप बोली कहिछन्ति धर्मेन्द्र प्रधान। देखिए, पीएम श्री के बारे में चर्चा हुई है, नए यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई है, नए IIT, नए IIM, ये सारे जो उल्लेख किया गया है, ये सब उस दिशा में एक एक कदम है। स्किल इंडिया के तहत 1,40,00,000 नई पीढ़ी की लोगों को स्किल, अपस्किल, रीस्किलिंग करने की बात कही गई है। ये आने वाले दिनों में और गति पकड़ेगी। इस बजट जिस प्रकार की कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ी है, इस बजट में जिस प्रकार की, देखिए, 3 नया रेलवे कॉरिडोर की बात कही गई, इसकी सीधा सीधा अर्थ ज्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा, ज्यादा स्किल मैन पावर लगेंगे, लोगों की जीवन मान में बढ़ोतरी होगा। ये सीधा सीधा पैदा, ये बजट में अगर एक लाइन पे उसको कहूं, वेलफेयर और वेल्थ क्रिएशन दोनों की संतुलन की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जादुई करिश्मा है। 10,536 करोड़ रेल बजेट हो, 3 रेल कॉरिडोर काम आरंभ होबा नै कहिछन्ति रेलमंत्री। ओडिसारे 100% विद्युतकरण हो सारी, आउ 40,000 नुवा ट्रेन ट्रैक तैयार हेबा। एबे मोदी जी देउछन्ति 10,536 कोटी टंका, 10,536 करोड़ रुपीस। 3 वर्ष हेलाणी पाका पाकी 10,000 कोटी टंका प्रत्येक वर्ष मिलुछि। 10,000 कोटी टंका ओडिसा को रेलवे रे रेलवे विकास पई मोदी जी देउछन्ति। आगे जहाँ 50 किलोमीटर पाखापाखी होता कामटा, एवं 473 किलोमीटर, 473 किलोमीटर आहरी जदि स्टेट गवर्नमेंट रो लैंड शीघ्र मिली जानता, आहरी ताठ अधिका काम करी होता, बहुत प्रोग्रेस हो आसला, गुड़ाए नुआ प्रोजेक्ट सेंक्शन। आग को वंदे मेट्रो ट्रेन चलो कहले रेलमंत्री। प्राथमिक पर्यायर कटक, भुवनेश्वर, पुरी में यह ट्रेन गढ़
परे संबलपुर राउरकेला बंदे मेट्रो ट्रेन चलिबो। तालचेर राउरकेला बंदे मेट्रो ट्रेन चलिबो। ओडिशा सरकार जमी शीघ्र देले रेल काम द्रुत हेबो बोली प्रेसमिट जरियारे सूचना देछंती रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस डिजिटल। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।